राजस्थान में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सभी सियासी दलों में अब अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। खासकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस इस बार सरकार को रिपीट करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी प्रदेश के कमजोर 40 सीटों पर से ज्यादा फोकस करने की बात कही थी। इन 40 सीटों में जालौर जिले की सीट भी आती है, तो आज सियासत के गढ़ में बात करेंगे जालौर की। विधानसभा सीटों वाले जालौर में कांग्रेस बेहद कमजोर है। एससी रिजर्व इस सीट को जीतना पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों यहां कांग्रेस बीजेपी से कमजोर है? जानेंगे इसके पीछे का इतिहास और करेंगे इसके भविष्य का विश्लेषण। इस रिपोर्ट में देखिए, राजस्थान पूरी दुनिया में अपनी वीरता से भरी शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कोने कोने से राज्य के योद्धाओं की खुशबू आती है, जो पूरे राजस्थान को महका रही है। यहाँ सिर्फ वीर ही नहीं, वीरांगनाओं ने भी अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े हैं और ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं जिनका कोई सानी ही नहीं है। ऐसी ही वीरांगनाओं के जौहर की भूमि है जालौर, जहाँ करीब 700 साल पहले एक साथ 1500 जगहों पर जौहर हुए थे और उनका एक कारण था मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी से अपना स्वाभिमान बचाना। यहाँ के किले को अलाउद्दीन खिलजी ने खंडहर में बदल दिया था, जिसकी निशानी आज भी इस दुर्ग पर है। ये किला भी आज कई राजपूत योद्धाओं की बहादुरी और वीरता का गवाह है और उनकी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला किया था, तब उस समय युद्ध में कई राजपूत सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद उन सभी शहीद सैनिकों की पत्नियों ने जलती हुई आग के तालाब में कूदकर खुद को भस्म कर दिया था। ऐसी वीरांगनाओं की धरती जालौर को आज भी अपनी इस वीरता पर गुमान है। जालौर का ये किला आज भी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। ये ग्रेनाइट के पहाड़ों पर शांत से अपनी वीरता की गाथा लोगों को सुना रहा है। इसके अलावा यहाँ का तोपखाना भी सैलानियों को लुभाता है। खाने पीने की बात करें तो जालौर की प्याज कचौरी और दूध जलेबी यहाँ के लोगों का स्वाद है। एक बार आप प्याज कचौरी खाएंगे तो बार बार उसे खाना चाहेंगे। वीर रस से कूट कूट के भरे जालौर की सियासत भी हिलोरे मारती रहती है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। विधानसभाओं में पार्टीवार हालत बतानी बेहद जरूरी है, जिसमें कांग्रेस की हालत खराब है, क्योंकि यहाँ की 5 विधानसभाओं में सिर्फ एक में ही कांग्रेस है। यहाँ के अगर स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो सबसे दिक्कत जो है सड़क बिजली पानी को लेकर, क्योंकि बिजलियों की अगर बात करें तो बिजली करीबन 6 घंटे और 4 घंटे आती है, तो ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा ये है कि सरकार के द्वारा बिल माफ़ तो कर दिए गए, लेकिन इस बार जो जैसे ही बिल आए हैं तो उसमें बढ़कर आए हैं, करीबन 5,000, 7,000, 20,000 जो बिल आए हैं, तो ऐसे में किसानों में भी कुछ नाराजगी ज़रूर देखने में मिलती है कांग्रेस सरकार की तरफ जो काम किए गए। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी जो है जनता बेखूबी जानती है। और दूसरा ये कि अगर यहाँ के जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे, और दूसरा ये कि व्यक्ति कौन रहेगा सामने, फेस किसका रहेगा, उसके डिपेंड करता है, उसी को टिकट मिलता है तो ही वोट जो है जनता करती है। जालौर विधानसभा सीट से भाजपा के जोगेश्वर गर्ग विधायक हैं, रानीकावाड़ा से बीजेपी के नारायण सिंह देवल विधायक हैं, भीनमाल से बीजेपी के ही पूरा राम चौधरी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, आहोर से बीजेपी के ही छगन सिंह और सांचौर से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई विधायक हैं। सबसे पहले बात जालौर विधानसभा सीट की करते हैं, जहां बीजेपी का कब्जा है। जोगेश्वर गर्ग यहां से विधायक हैं। जालौर विधानसभा सीट बीते कई दशकों से भाजपा के कब्जे में है। यहां बीते 35 सालों में कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर कि 1985 के बाद हुए 7 विधानसभा चुनावों में सिर्फ
एक बार कांग्रेस जीत पाई है। 1985 में कांग्रेस के मांगीलाल आर्य विधायक बने थे। इसके बाद हुए चुनाव में वर्ष 2008 में रामलाल मेघवाल को छोड़कर हर बार भाजपा उम्मीदवार ही जीता है। 1990 और 1993 में भाजपा के जोगेश्वर गर्ग यहां से विधायक चुने गए। वहीं 1998 में यहां से भाजपा के गणेशी राम मेघवाल, 2003 में जोगेश्वर गर्ग, 2008 के चुनाव में एक बार जरूर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन 2013 में जालौर में बीजेपी की नई नवेली उम्मीदवार अमृता मेघवाल को जालौर की जनता ने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा ने अमृता का टिकट काटा और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग को टिकट दिया और वो जीत गए। कांग्रेस की तरफ से 2018 में मंजू मेघवाल को टिकट मिला था, लेकिन वो कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाई। मंजू मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख रही थी, लेकिन वो राजनीति की चौखट पर अपनी कमजोरी को भांप नहीं पाई और हार गई। ऐसे में कांग्रेस कहां पर कमजोर है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसी बहुने सीट होने के बावजूद जालौर सीट लगातार कांग्रेस हार रही थी। ऐसे में 2008 में कांग्रेस पार्टी ने रामलाल मेघवाल को उम्मीदवार बनाया और परिणाम रहा कि जीत कर भी आए, लेकिन सियासी गुटबाजी के चलते कमजोर हुए और अब तो उम्र का तकाजा भी आड़े आ रहा है। ऐसी बाहुल्य और रिजर्व सीट होने के बावजूद भाजपा लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की जो इस सीट पर कमजोरी है वो एक स्थापित चेहरे की है, जिसकी कांग्रेस को हमेशा से तलाश रही है और ये तलाश पूरी होती भी नहीं दिख रही है। यहाँ रामलाल मेघवाल और पारसा राम मेघवाल ने जरूर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, लेकिन वो भी जिले से बाहर, या यूं कहें कि प्रदेश स्तर पर मजबूती कायम नहीं कर पाए। पारसा राम मेघवाल एक बार सांसद जरूर बने, लेकिन उसके बाद लोकल स्तर तक सिमट गए। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। वहीं रामलाल मेघवाल ने पार्टी के लिए काफी मेहनत की, लेकिन प्रदेश स्तर पर सीधी एंट्री वाली स्थिति कायम नहीं कर पाए। जालौर की सीट जीतने के लिए जातिगत समीकरण बनाना बेहद जरूरी है। जहां एससी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, तो वहीं पटेल, देवासी, राजपूत और पुरोहित भी हार और जीत तय करते हैं। 2013 में कांग्रेस पार्टी को राजपूत और पटेलों का विरोध का सामना करना पड़ा। नतीजा रहा कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब देखना ये होगा कि लगातार हार रही कांग्रेस पार्टी जालौर से अब किसको टिकट देती है और कौन कांग्रेस की हार का मरहम लगाता है। वहीं अगर इतिहास में झांकें तो ये भी पता चलेगा कि बीजेपी ने 1993 को छोड़कर अपने किसी उम्मीदवार को रिपीट नहीं किया है। ये बात अलग अलग है कि हर तीसरे या चौथे चुनाव में उसे मौका दिया है। अब इस बार के चुनाव में फिर बीजेपी नया चेहरा देख रही है ताकि उसकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। यहाँ बीजेपी ने जमीनी स्तर पर खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे हराना यहाँ कांग्रेस के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन वक्त का तकाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस्मत कब किसका साथ छोड़ दे या किसका हाथ थाम ले, क्योंकि जालौर के कुछ मुद्दे हैं जो इस सीट पर बीजेपी को भी भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। जालौर के बाद अब बात करते हैं जालौर से टूटकर नए जिले बने सांचौर की, जो जालौर का विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही खंगालेंगे रानीवाड़ा विधानसभा सीट का इतिहास और जानेंगे वहां के स्थानीय मुद्दे। देखें ये रिपोर्ट। भी जालौर का ही एक अहम हिस्सा रहा सांचौर, अब नया जिला बन चुका है। लंबे समय से मांगी जा रही जनता की ये मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी कर दी और विधानसभा की बजट घोषणा में राजस्थान को सांचौर के साथ 19 नए जिलों की सौगात दे दी। अब सांचौर को इतना बड़ा तोहफा उनके सीएम ने दिया है तो जनता भी बेहद खुश है और कांग्रेस आश्वस्त है कि इस बार जीत तो उसे ही मिलेगी। बता दें कि सांचौर में अभी कांग्रेस के ही विधायक हैं, नाम है सुखराम बिश्नोई, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बिश्नोई सीएम गहलोत के विश्वस्त नेता बताए जाते हैं, हों भी क्यों ना, आखिर वही तो थे जिन्होंने लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की पाली जालौर और सिरोही में बुरी तरह हार के बावजूद
इकलौती सांचौर सीट बचा ली थी। मोदी लहर के बावजूद उन्होंने ये जीत कांग्रेस की झोली में डालकर एक तरह से पार्टी को संजीवनी दे दी थी। सांचौर से अब तक के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1977 से अब तक इस सीट पर 10 चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। तो वहीं एक बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 1977 में कांग्रेस के रघुनाथ बिश्नोई जीतकर विधायक बने, लेकिन 1980 में निर्दलीय कनकराज मेहता ने रघुनाथ को हरा दिया और वो विधानसभा पहुंचे। फिर 1985 में एक बार फिर रघुनाथ से जीत दर्ज की, तो 1990 में बीजेपी से लक्ष्मीचंद मेहता जीते। इसके बाद 1993 और 1998 में कांग्रेस से हीरालाल बिश्नोई जीतकर 2 बार विधायक की कुर्सी पर पहुंचे। फिर 2003 में बीजेपी के जीवन राम चौधरी विधायक बने। फिर 2008 में जीवन राम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। 2013 और 2018 में कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई विधायक बने। सांचौर को नया जिला बनाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर छाई। स्थानीय विधायक सुखराम बिश्नोई को जनता ने सराकों पर बैठाया, लेकिन लगातार बढ़ते अपराधों के चलते नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी सुखराम बिश्नोई के नेगेटिव आ रही है, लेकिन यह रिपोर्ट कितना असर करेगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। वैसे एक तरफ सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिला बनने से जनता की उम्मीदें कांग्रेस से ज्यादा बड़ी हुई है, तो ऐसे में इस बार के चुनाव में कांग्रेस की फिर से ताजपोशी होने में ज्यादा अड़चने नहीं है। सीएम गहलोत के इस तोहफे का रिटर्न गिफ्ट जनता इस सीट पर कांग्रेस को जिताकर दे सकती है। बात की जाए तो सांचौर को जिला जरूर बनाया गया है सुखराम बिश्नोई के द्वारा, लेकिन सुखराम से नाराज है वहाँ की जनता, क्योंकि वहाँ पे इतना सा आतंक हो गया है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि घरों से लोग निकलते हैं तो सोचना पड़ता है, मतलब लोगों का ये भी कहना है कि अगर बाइक लेके जाते हो तो वहाँ की आरसी ही मिलेगी, आपको बाइक नहीं मिलेगी। और ये कथन भी सही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। और ये चीज़ ये भी है क्योंकि ये लोग सक्षम हो गए हैं, ये कम्युनिटी पूरा सक्षम हो गया है। दूसरा है कि व्यापार में भी अगर की जाए तो अफीम और डोडा और ये शराब तस्करी का भी सबसे ज्यादा इन्हीं कम्युनिटी के पास रहता है व्यापार। इस सीट पर अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो पार्टी के 2 दिग्गज नेता भी एक साथ आ गए हैं, जिनकी वजह से पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही थी। 2003 में जीतने वाले पूर्व विधायक जीवन राम चौधरी और 2018 में भाजपा प्रत्याशी जीवाराम चौधरी दोनों ही अपनी दावेदारी जता रहे थे, जिनके चलते इस सीट पर बीजेपी 2 खेमों में बट गई थी। इस खेमेबाजी का नुकसान पार्टी को चुनाव में ना उठाना पड़े, इसके लिए बीजेपी ने भी अच्छी खासी तैयारी कर दोनों नेताओं के बीच में सुलह करा दी। इन नेताओं को पार्टी ने दिल्ली बुलाया और सांसद देवजी पटेल से मुलाकात कराई, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने बारी बारी से देवजी पटेल से मुलाकात की। बता दें कि ये बैठक करीब 3 दिन चली थी और इसके बाद खबर आई कि दोनों नेता एक साथ आने के लिए राजी हो गए हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी की ये एकता चुनावी मैदान में क्या कमाल दिखा पाती है। सांचौर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक और विधानसभा क्षेत्र लगता है, नाम है रानीवाड़ा, जहां की सियासत भी इन दिनों हिलोरे मार रही है। मुद्दा है रानीवाड़ा को नए बने सांचौर जिले से ना जोड़ा जाए। इस मामले में रानीवाड़ा में पिछले 1.5 महीने से अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। रानीवाड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले ये विरोध किया जा रहा है। बीते दिनों समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दे दिया, लेकिन फिलहाल इस पर और कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस बार के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। रानीवाड़ा की अगर बात की जाए तो रानीवाड़ा के अंदर नारायण सिंह देवल वर्सेज रतन देवासी रहा है और लंबे समय से ये भी चल रहे थे, लेकिन इस बार जो है अभी जैसे परिवर्तन यात्रा चली थी बीजेपी, तो उसमें 2 फाड़ नजर आए थे। एक तरफ जो है नारायण सिंह देवल ने अपनी सभाएं की थी, वहाँ संख्या जो बहुत कम थी, और दूसरी ओर जो मंजीराम चौधरी और अन्य लोगों ने जो सभाएं की थी उसमें बड़ी तादाद में लोग थे, मतलब साफ तौर पर विरोध देखने को मिला है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि रतन देवासी के खिलाफ भी लोग जो है कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, जितना विरोध होना चाहिए उतना विरोध नहीं है, लेकिन इस बार टिकट को लेकर जो रतन देवासी की संभावना कम नजर आ रही, क्योंकि 3 बार हार चुके प्रत्याशी को शायद संभावना है कि कांग्रेस टिकट दे पाए, किसी और को देती है तो यहाँ पे भी जो है कांटे की टक्कर रहेगी। दूसरा ये भी है कि नारायण सिंह देवल को टिकट देती है और रतन देवासी का टिकट काटती है, तो यहाँ पे भी जो है निर्दलीय भारी रहेगा, निर्दलीय की जीत हो सकती है। रानीवाड़ा की सियासत की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक नारायण सिंह देवल हैं। इस सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो 1977 से हुए 10 चुनावों में 4 बार बीजेपी जीती है,
जबकि 5 बार कांग्रेस का प्रत्याशी विधायक बना है, तो वहीं 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत मिली है। 1977 और 1980 में कांग्रेस के रतन राम जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो 1985 में रतन राम को निर्दलीय अर्जुन देवड़ा ने हराया। 1990 में एक बार फिर कांग्रेस से रतन राम जीते। 1993 में अर्जुन देवड़ा बीजेपी से लड़े और जीते। 1998 और 2003 में एक बार फिर मुकाबला देवड़ा और रतन के बीच रहा। फिर 2008 में फिर से कांग्रेस रतन राम जीते। 2013 और 2018 में बीजेपी से नारायण सिंह देवल जीते। अब बात करते हैं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां चौधरी और भूमिया राजपूत कांग्रेस नेता रतन देवासी के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं शराब व्यवसायी लक्ष्मण देवासी की मौत के बाद देवासी समाज काफ़ी नाराज है। उसकी नाराजगी दूर करना भी कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो रानीवाड़ा में पटेल, बिश्नोई और अन्य समाज के वोटर्स भी काफ़ी है, लेकिन ऐसी वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। लेकिन देखना ये होगा कि रानीवाड़ा में इस बार वोट किस करवट बैठता है। कुछ एक चुनाव को छोड़ दें तो देखा जा सकता है कि यहाँ विधायक हर साल पार्टी बदलता रहता है। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का रिवाज इस सीट पर भी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस से रतन देवासी और भाजपा से नारायण सिंह देवल आमने सामने टक्कर में थे। इस बार भी माहौल इन दोनों का ही बन रहा है, लेकिन अब की बार रानीवाड़ा विधानसभा सीट थोड़ा हटके हैं, जो इस सीट पर सियासी के साथ ही जातिगत समीकरण भी बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सच बेधड़क। ब्यूरो रिपोर्ट सच। और अब रानीवाड़ा और सांचौर के बाद में बात करते हैं भीनमाल और आहोर सीट की, जहां भीनमाल को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, तो आहोर सीट पर भी सियासी समीकरण काफी उलझे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जालौर जिले के विधानसभा क्षेत्र भीनमाल को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से उठाई जा रही है, लेकिन वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई। ऐसे में क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। यहां बीजेपी से विधायक पूरा राम चौधरी हैं, जिन्होंने लगातार विधानसभा में भीनमाल को जिला बनाने के लिए आवाज उठाई है और तो और विधानसभा में धरना तक दे दिया है। इससे जुड़ा एक वाक्या तब बेहद चर्चित हुआ था, जब विधानसभा में पूरा राम चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की थी और जिला बनाने के एवज में उनके समर्थन की बात कह दी थी। जिला ले के बनाते हो ना, पहले तो जिला बनाओ। नंबर वन, हम आपका समर्थन करेंगे पूरा भीनमाल। पहले किया तो आपने सारे काम किए, कम से कम हमारा जो भीनमाल विधानसभा से 700 रुपए मेहरबान करके मत देना, ये मेहरबान कर देना, आपका एहसान रहेगा। हमारी सर, हमारी भी मांग भीनमाल से आए, ऑर्डिनेंस पढ़ा है, 20वां बना दो सर, 20वां बना दो। भीनमाल को न जिला घोषित कराया गया, न ही पूराराम ने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन अब पूराराम चौधरी के भाजपा से बगावत करने की बात सत्ता के इस गलियारों में छा रही है। वजह, पूराराम चौधरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे बगावत कर बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल चर्चा तो ये भी है कि इस बार पूराराम का टिकट काट कर बीजेपी एक सांसद को टिकट देने जा रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पूराराम चौधरी का टिकट बीजेपी काटती है तो इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि पूराराम चौधरी लगातार 3 बार से सीट से चुनाव जीत रहे हैं और वायरल ऑडियो में विधायक पूराराम ने टिकट कटने पर पार्टी से बगावत के संकेत भी दे दिए हैं। की करे बा टिकट रो हासन में तो के दोन दिन की थी फ्री नठे देव जी की बात आले भीनमाल में हाथी वालों को ने होशियार हुए हैं है हाथी वालों री अंशी जारी भीड़ है तो भीनमाल में की करे बा ओबरे ओबरे हाथी मेरे साथी हाथी मेरा साथी भीड़ हुए हैं वो भी रो बोले 40,000 हाँ 40,000 भीड़ और अंशी 30,000 मुसलमान 1,10,000
दरअसल बीजेपी के आला कमान के निर्देश है कि जिन विधानसभाओं में वहां के विधायक के प्रति नाराजगी है वहां पर सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे में चुनावी माहौल में तीन बार से विधायक पुराराम का ये वायरल ऑडियो काफी सरगर्मी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। हालांकि इसे लेकर पुराराम की तरफ से मामला दर्ज करवा दिया गया। भीनमाल की सीट का चुनावी इतिहास अगर देखें तो 1977 से तब तक हुए 10 चुनावों में 6 बार कांग्रेस जीती है तो वहीं 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो 2008 से लगातार बीजेपी के पुराराम इस सीट से जीत रहे हैं। 1977 के चुनावों के अलावा 1980-1985 में लगातार कांग्रेस के सूरजपाल सिंह यहां से विधायक बने हैं। 1990 में कांग्रेस के प्रेम सिंह धैया विधायक बने। इसके बाद 1993 में भाजपा के पुराराम चौधरी ने धैया को हरा दिया और खुद विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद 1998 और 2003 में कांग्रेस के समरजीत सिंह विधायक बने। उन्होंने दोनों बार पुराराम चौधरी को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद बीजेपी की हैट्रिक का सिलसिला शुरू हुआ और 2008 में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की उसका सिलसिला अब तक नहीं थमा है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ ओबीसी वर्ग का दबदबा है। इसमें चौधरी, भूमिया राजपूत, देवासी, राजपुरोहित समेत कई जाति वर्ग आ जाते हैं। इनमें बिश्नोई जाट समाज के लोग भी शामिल हैं, जबकि एससी एसटी में मेघवाल, भील जातियां भी अच्छी खासी तादाद में हैं। हालांकि भीनमाल को जिला बनाने की मांग भी इस बार के चुनाव में अपना जोर दिखा सकती है। सियासी मामलों के जानकार का कहना है कि भीनमाल को जिला घोषित न करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। भीनमाल की अगर बात की जाए तो भीनमाल में काफी लोग नाराज है, क्योंकि जिस तरह से भीनमाल को जिला बनाने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष रहा है और ऐसे में सांचौर को जिला बनाया गया तो उससे काफी लोग नाराज है। कांग्रेस के प्रति नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि नाराजगी अगर बात की जाए तो नाराजगी बहुत हद तक जो है काफी नाराजगी। और दूसरा, अगर टिकट की बात की जाए तो जो है पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर समरजीत सिंह को मिलता है और पुराराम चौधरी को मिलता है, तो यहाँ पे भी जीत जो है पुराराम चौधरी की हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस से नाराज है। अगर टिकट चेंज होता है, पुराराम की जगह किसी और चौधरी को मिलता है और डॉक्टर समरजीत सिंह की जगह किसी और को मिलता है, तब भी यहाँ पे जो है बीजेपी बाजी मार सकती है। भीनमाल के बाद बात करते हैं अब आहोर सीट की, जिस सीट पर विधायक बीजेपी के छगन सिंह हैं। इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1957 से लेकर 2018 तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस जीती है तो बीजेपी सिर्फ 3 बार ही जीत पाई, तो वहीं 3 बार लोकदल, जेएनपी, राम राज्य परिषद ने जीत दर्ज की। 1957 में कांग्रेस से माधो सिंह जीते। इसके बाद 1962 में आरआरपी से छतर सिंह जीते, तो 1967 में फिर से कांग्रेस से माधो सिंह जीते। 1972 में कांग्रेस से समुद्र कंवर ने चुनाव जीता। 1977 में जनता पार्टी से गोपाल सिंह जीते, तो 1980 में फिर से कांग्रेस से समुद्र कंवर ने जीत दर्ज की। 1985 में लोकदल से भगराज चौधरी विधायक बने। 1990 में कांग्रेस से गोपाल सिंह जीते, तो 1993 में भगराज ने अपनी हार का बदला लिया और 1998 तक ये सिलसिला कायम रखा। 2003 में बीजेपी के शंकर सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2008 में भगराज, 2013 में शंकर सिंह जीते और 2018 में बीजेपी के छगन सिंह यहां से जीते। आहोर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वोटर यहां पे जो है चौधरी, पुरोहित और जो है मेघवाल है, तो ऐसे में टिकट लगातार जो है बीजेपी की तरफ से जो है पुरोहित को दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो घट रहा है कांग्रेस का, क्योंकि लंबे समय से चौधरी जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने बघराज जी ने जो है यहाँ पे प्रत्याशी जीत दर्ज की है। दूसरा ये भी है कि अभी गणित की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो वर्तमान जो विधायक थे जो छगन सिंह राजपूत के विरोध काफी देखने को मिल रहा है। जालौर की आहोर विधानसभा सीट भी जातिगत समीकरणों में उलझी हुई है। 3 लाख वोटर्स वाली इस आहोर विधानसभा क्षेत्र में 22% एससी और 12% एसटी वोटर्स है। ऐसे में एससी वोटर्स जिधर जाएंगे जीत उसी की तय मानी जा रही है। 5 विधानसभा सीटों वाले इस जालौर जिले में देखना ये होगा कि किसको जीत का शहरा बनता है और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। 2018 का चुनाव भी यहाँ का काफी दिलचस्प रहा था। यहाँ बीजेपी के छगन सिंह राजपुरोहित और कांग्रेस के सवाराम पटेल के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन बसपा के पंकज मीणा और कांग्रेस के बागी जगदीश चौधरी ने कांटे की टक्कर पैदा कर दी थी। आलम यह हो गया था कि जगदीश चौधरी को जिताने के लिए इस सीट से पूर्व विधायक और मंत्री भगराज चौधरी मैदान में उतर गए, जो जगदीश चौधरी के पिता हैं। हालांकि जगदीश चौधरी तब 5वें नंबर पर रहे थे, जबकि बीएसपी 3 नंबर पर थी। इस सीट का सबसे दिलचस्प इतिहास भी भगराज चौधरी का ही रहा है।
उन्होंने इस सीट से 8 बार चुनाव लड़ा और 4 बार वो विधायक भी रह चुके थे। ऐसे में इस क्षेत्र में उनका खासा दबदबा माना जाता है। लेकिन बीजेपी 2013 से ये सीट अपने नाम की हुई है और इस बार का मुकाबला किनके बीच होना है ये तो बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम जाहिर होने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।